प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। विजयपुर बुधनी में प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जा रहा है। ब्लॉक और बूथ प्रभारियों से चर्चा करेंगे कांग्रेसी नेता। बता दें बुधनी विजयपुर जाएंगे AICC से नियुक्त प्रतिनिधि। 14 अक्टूबर को प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। तो उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। बता दें आपको बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव होना और इसी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। सीधे रुख करेंगे संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कांग्रेस तैयारियों में जुटी है कि उपचुनाव में जीत हासिल की जाए, दोनों सीटों को जीतने का दावा भी कांग्रेस कर रही है। देखिए, जब से छिंदवाड़ा का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और चुनाव खत्म होने के बाद अमरवाड़ा में कांग्रेस को हार मिली थी, उसके बाद से लगातार बुधनी और जो विजयपुर दो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव कराए जाने हैं, तभी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर जुटे हुए हैं। खुद जीतू पटवारी लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा जो चुनौती है ऋतु, वो है कि मजबूत प्रत्याशी कैसे उतारा जाए, क्योंकि लगातार मिलती हार से कहीं ना कहीं इन दो सीटों पर कांग्रेस अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बढ़ेगा। ऐसे में कांग्रेस के जो AICC के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं, कल विजयपुर और बुधनी जाएंगे। विजयपुर की अगर बात करें तो विजयपुर में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह रहेंगे, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह रहेंगे, तमाम कई दिग्गज नेता रहेंगे। नीटू सिकरवार जो कि लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं वो जाएंगे। वहीं अगर बुधनी की बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रहेंगे, केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जाएंगे, शैलेंद्र पटेल जाएंगे, तमाम ऐसे जो दिग्गज स्तर के नेता हैं जो AICC ने जिन्हें नियुक्त किया है इन दोनों विधानसभा सीटों में जाने के लिए प्रत्याशी चयन के लिए। ये जो नेता हैं ये जब यहां जाएंगे तो ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं उनसे लेकर प्रभारी जो विधानसभा के प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सा वो नेता है जो मजबूत स्थिति में है। 1-to-1 चर्चा करेंगे और उसे प्रत्याशी बनाए ताकि जीत कर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र के जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तभी मध्य प्रदेश के इन दोनों विधानसभा सीटों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस यही कारण है कि लगातार तैयारियों में जुट गई है और चाहती है कि दो मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए ताकि लगातार बीजेपी को जो है कड़ी से कड़ी टक्कर दी जाए, क्योंकि दोनों सीटें अगर बात की विजयपुर अभी तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन विजयपुर से जो विधायक रामनिवास रावत हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। वहीं बुधनी से जो बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी तो शिवराज सिंह चौहान सांसद बन गए। ऐसे में दोनों सीटें खाली हैं, आगामी समय में चुनाव होंगे, उससे पहले कांग्रेस तमाम जो रणनीति अपना रही है और कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर अब जो कमर है वो कस चुकी है ऋतु। बिल्कुल, कांग्रेस कमर कस चुकी है। अब देखना होगा कि इन तैयारियों का कितना फायदा उपचुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। सूरज,